नमस्कार, स्पिरिट टॉप हेडलाइंस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। लगातार आतंकी हमलों की सूचनाओं के बीच गणतंत्र दिवस से पहले सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। यहां उपराज्यपाल जीसी मुर्मू के साथ और अग्रिम चौकियों तक जाकर वे सरहद और प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। सेना अध्यक्ष बनने के बाद जनरल नरवणे पहली बार जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। इससे पूर्व नरवणे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख गए थे। सूत्रों का कहना है कि सेना अध्यक्ष उधमपुर उत्तरी कमान और नगरोटा स्थित सोलहवीं कोर मुख्यालय में सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सेना के अलावा पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ सहित तमाम खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। इसमें गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर बात होगी। देश भर में इस समय नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण का काफी विरोध हो रहा है। सरकार के आश्वासन के बावजूद लोगों में भय का माहौल है, जिसका खामियाजा दो महिलाओं को भुगतना पड़ा। भीड़ ने राजस्थान में राष्ट्रीय आर्थिक जनगणना के लिए डाटा इकट्ठा करने वाली नजीरान वालों को सीएए एनआरसी वाला समझकर हमला कर दिया। वहीं पश्चिम बंगाल में भी गाँव वालों ने 20 साल की चमकी खातून के घर में आग लगा दी। राजस्थान के कोटा में राष्ट्रीय आर्थिक जनगणना विभाग में काम करने वाली नजीरान वालों पर भीड़ ने उस समय हमला किया जब वह ब्रजगांव क्षेत्र में राष्ट्रीय अर्थशास्त्र जनगणना 2019-2020 के लिए डाटा इकट्ठा कर रही थी। जब उन्होंने भीड़ को यकीन दिलाया कि वह उनकी तरह मुस्लिम है, तब कहीं जाकर उन्हें छोड़ा गया। पुलिस ने बाद में हमले के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जम्मू संभाग में बुधवार सुबह आंशिक कोहरा व बादल छाए रहे, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ होता चला गया। दोपहर को तेज धूप रही, वहीं कश्मीर घाटी के उच्च पर्वतीय और कुछ मैदानी इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे न्यूनतम तापमान में और गिरावट आई। वहीं रामबन जिला में अनोखी फॉल इलाके में बुधवार शाम करीब 7 बजे भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 2 घंटे बाधित रहा। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू संभाग में वीरवार और शुक्रवार को आसमान साफ रहेगा। केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए 80,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं केंद्र सरकार के कई मंत्री जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं की जानकारी लेने के लिए लगातार दौरा कर रहे हैं। हाल में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी समेत कई मंत्रियों ने वहां का दौरा किया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इन मंत्रियों ने कश्मीर के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फीडबैक दिया है। उत्तरी दिल्ली के नारायणा में गुरुवार को सुबह बच्चों को लेकर जा रही स्कूल बस की टक्कर डीटीसी की क्लस्टर बस से हो गई। हादसे में 6 स्कूली बच्चे घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजेंद्र नगर से सरवान पब्लिक स्कूल की इस बस में 27 लोग मौजूद थे। वह हादसा उस समय हुआ जब स्कूल की बस यू टर्न ले रही थी और दूसरी तरफ से तेज रफ्तार से आ रही डीटीसी की क्लस्टर बस ने टक्कर मार दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे को बृहस्पतिवार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने से कभी संकोच नहीं किया। बाल ठाकरे का पुणे में 1926 में जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि महान बाला साहब ठाकरे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। साहसी और अदम्य व जन कल्याण के मुद्दों को उठाने से कभी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने कहा कि ठाकरे को हमेशा भारतीय लोकाचार और मूल्यों पर गर्व रहा और वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। बता दें कि शिवसेना ने भाजपा के साथ दशकों पुराने गठबंधन को तोड़ते हुए हाल ही में राकांपा और कांग्रेस के समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए स्पिरिट न्यूज।